हेलो गाइस, वेलकम टू रिव्यू। आज हम आपको बताने वाले हैं हम किन किन आइटमों में डील करते हैं। हम इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन के सारे स्पेयर पार्ट्स और इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन की जो भी सर्वो मोटर होती हैं, डायरेक्ट ड्राइव मोटर होती हैं, टेबल होते हैं, स्टैंड होते हैं, उन सब में डील करते हैं। आज मैं आपको कुछ उनमें से चीज़ें दिखाने वाला हूँ और उनके थोड़े प्राइस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले देख सकते हैं हमारा ब्रांड वीको प्रिया। इसकी डिटेल अनबॉक्सिंग आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। अनबॉक्सिंग भी है उसमें, हमने पहले वीडियो बना रखी है इसकी, और कैसे इसकी रोटेशन चेंज करनी है, स्पीड चेंज करनी है, उसकी भी हमने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, दोबारा आई बटन में देख सकते हैं। इस मोटर का प्राइस इस वक्त 3500 है, बाकी ऑन क्वान्टिटी नेगोशिएबल हो जाता है, बाकी इसका प्राइस 3500 फिक्स रहता है वीको प्रिया का। ये हमारे वीको प्रिया हुए, ये हमारी इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन सर्वो मोटर के लिए ही है, मतलब सिर्फ इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन में ही लगती है। जैसे आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल मशीन होती है, हाउसहोल्ड मशीनों के लिए नहीं है, इंडस्ट्रियल मशीनों में ही लग जाती है, चाहे वो सिंगल निडल हो, ओवरलॉक हो, फ्लैट लॉक हो, सब में ले लेते हैं। इसी की तरह इससे चीप ऑप्शन जो है एक आता है ओमसी का, ओमसी मोटर। ये ओमसी की मोटर है, ये उससे थोड़ा चीप क्वालिटी की रहती है, पर इनका रेट 2800 रहता है। इसकी भी मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो बना के पहले डाली हुई है, आप देख सकते हैं ये बटन पर जाके। और इसके रोटेशन चेंज की वीडियो में अभी जल्द ही आने वाली है, अभी हमने बनाई नहीं है, आपके अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हैं। बाकी इसकी 4200 RPM की स्पीड रहती है, और इसमें 2800 में 6 मंथ की हम वारंटी भी देते हैं इसी मोटर की, ओमसी मोटर। बाकी आप देख सकते हैं वीको का स्टॉक हमारे पास पूरा फुल रहता है। और हम हमारे इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन के स्टैंड भी रखते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये वाला स्टैंड एडजस्ट स्टैंड होता है, इस स्टैंड में हम हाइट एडजस्ट कर सकते हैं मशीन के अपने यूज के अकॉर्डिंग। और ये वाले जो स्टैंड रखे हैं इस तरफ, ये फिक्स स्टैंड होते हैं, ये इससे थोड़े से सस्ते होते हैं, पर इसमें हम हमारी हाइट फिक्स रहती है, इसको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। ये वाला स्टैंड 1000 रुपीज का रहता है, और ये 1200 का रहता है, जो एडजस्ट है वो 1200 और जो फिक्स है वो 1000 रुपीज का रहता है। बाकी हमारा शॉप का एड्रेस और हमारी वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से आके चेक कर सकते हैं अगर आपको ये चीजें परचेज करनी हो इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन रिलेटेड। बाकी हमारे पास फुल फिक्स स्टैंड भी रहते हैं, इसके अंदर टेबल भी निकलती है और स्टैंड भी निकलता है, जो इम्पोर्टेड क्वालिटी रहती है वो भी निकलता है। जैसे हमारी उस मशीन में लगा हुआ है इम्पोर्टेड स्टैंड और टेबल, आपको जब पहले दिखाई थी वैसा ही स्टैंड इसके अंदर निकलता है। बाकी हमारे पास सर्वो मोटर एक और तरह की भी है, एसडा की, आपने नाम सुना होगा एसडा का। ये सारी एसडा की मोटर रखी है, इसको मैं आपको ऊपर खोल के भी दिखाता हूँ मैं कौन सी एसडा की बोल रहा हूँ। एसडा मोटर दो तरह की आने लग गई है, एक होती है बिग मोटर, एक होती है स्मॉल मोटर, जो आजकल नई आ रही है कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कंपनी छोटी मोटर बना रही है, जिसमें आजकल कंप्लेन बहुत ज्यादा आ रही है कंप्लेन। बट जो हमारे पास स्टॉक है मोटरों का, एसडा मोटरों का, ये बड़ी मोटरों में है, मतलब इनका जो मोटर का साइज रहता है वो बड़ा रहता है, और ये ड्यूरेबल ज्यादा रहती है जो न्यू मॉडल है उससे, क्योंकि कंपनी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में न्यू मॉडल्स में मोटरों का साइज छोटा कर दिया है, जो जल्दी फूक जाती है। बाकी इसकी वीडियो भी अनबॉक्सिंग वीडियो जल्दी आने वाली है। ये इसकी मैनुअल है, और ये आप देख सकते हैं इसका मोटर साइज काफी बड़ा है, आजकल सिर्फ इससे आधे साइज की मोटर साइज आ रही है एसडा में। तो यही था, और एसडा इस वक्त हमारे पास 3200 की जो ये न्यू मॉडल है वो मिल जाएगी, और 2900 की जो लेटेस्ट मॉडल आ रही है छोटी मोटरों में जिनकी वारंटी कम रहती है, थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो आपको 2900 में मिल जाएंगी, और ये 3200 में जो हमारे पास ओल्ड मॉडल रखी हुई है। बाकी हमारे पास आपको कुछ आइटम और दिखा देता हूँ, हमारे पास टेबल्स भी रहती हैं स्विंग मशीन्स की,
वैसे ये सिंगल हेडल की टेबल है, सिंगल हेडल में लग जाती है सारे मॉडलों में सिंगल हेडल के। इसकी वैल्यू 1100 रहती है, आप देख सकते हैं। बाकी 1100 सारे मॉडल्स के लिए सेम रेट रहता है, चाहे वो ओवरलॉक हो, फ्लैट लॉक हो, चाहे सिंगल हेडल हो, उसमें बस कटिंग का फर्क होता है। टेबल की क्वालिटी सेम यही रहती है जो आप देख रहे हैं। इसकी बहुत हैवी क्वालिटी है, मेड इन इंडिया है, इम्पोर्टेड सामान नहीं है ये, जो आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। बाकी पीछे तक देख सकते हैं आप कैमरे में, पीछे तक हमारे पास बहुत सारे पट्टे रखे हैं अलग अलग मॉडल के। आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से मॉडल का पट्टा चाहिए या इसकी फोटो चाहिए, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। बाकी थैंक यू, अभी यहीं पे बस इतना ही, आपसे बाद में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।